एक बार हुआ ये कि एक हिरन को बहुत जोर से प्यास लगी। हिरन पानी की तलाश में इधर उधर जंगल में घूमने लगा, बट उसे पानी कहीं नहीं मिला। फिर थककर वो एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे पानी के बहने की आवाज सुनाई दिया। वह उस पानी की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाने के बाद उसने देखा कि बड़ी नदी वहां से बह रही थी। फिर हिरन पानी पीने के लिए नदी के किनारे उतर गया। तभी अचानक उसका ध्यान अपने राइट साइड में पड़ता है। वहां एक शिकारी बंदूक से निशाना लगाया बैठा रहता है। फिर वह अपनी लेफ्ट साइड में देखता है तो उधर एक शेर घात लगाया बैठा है। फिर वह पीछे मुड़ के देखता है तो उधर आग लगी हुई है जो इसके साइड बढ़ रही होती है। अब हिरन जाए तो जाए किधर, आगे पानी पीछे आग और बगल में शिकारी और शेर। तब हिरन सोचता है कि मुझे तो मरना है तो क्यों ना पानी पी के मरूं। जैसे ही वह पानी पीना शुरू करता है अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के कारण आग बुझ जाती है और शिकारी का निशाना चूक जाता है और शेर को लग जाता है और शेर शिकारी के पीछे चला जाता है। हिरन की जान बच जाती है। ऐसे ही आपकी और हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं और हम घबरा जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। तब हमें ऐसे सिचुएशन में अपने आप को शांत करके 2 मिनट उस हिरन के बारे में सोचना है। हिरन के पास भी ऑप्शन था, वह चाहता तो पानी में भी कूद सकता था या इधर उधर भागता, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने 2 मिनट सोचा और उसने पानी पीना शुरू किया। ऐसे ही हम सब अपनी कामयाबी से थोड़े ही दूर होते हैं कि बीच में आने वाली सारी प्रॉब्लम से हम घबरा जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। बट आपको घबराना नहीं है, बस अपने काम पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है। किसी ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। बस पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, बस पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आई होप ये स्टोरी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।